थोड़ा तमीज में रहो वरना बदतमीज हम भी हैं। सो हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, जिस वीडियो को अभी आपने देखा, इस तरीका का स्टेटस वाली वीडियो को आप कैसे बना सकते हो? अगर आप भी इस तरीका का स्टेटस वाली वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस तरीका का स्टेटस वाली वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर की और कुछ भी नहीं, और एक फ़ोटो की जिसका बैकग्राउंड इरेज हो। तो आपको अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए काइन मास्टर में। तो गाइस, मैं आ गया हूँ काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना और ये वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है, बीच वाली। उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना और बैकग्राउंड पे जाना है और वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड का जो लेंथ है उसको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको इसमें कट लगा देना है, थोड़ा थोड़ा दूर में जाके उसमें बैकग्राउंड में कट लगाना है। और कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ट्रांजिशन में जाके आपको क्या करना है, ये ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट मोड पे क्लिक करना है आपको। और गेट मोड पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट खोल के आपको डाउनलोड कर लेना है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला है ग्रोस लाइन और ये वाला है क्रिम्सन डिविड, ऐसे कुछ लिखा है, तो ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। गाइस, मैंने ऐड कर लिया, आपको भी इसी प्रकार से ऐड कर लेना है। यहाँ से आप इसमें एक सेटिंग, आप यहाँ से इसको कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्राफिक्स में जाना है। मैं आपको बता दूँ, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है लाइट स्लाइडर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको भी डाउनलोड करना है, यहाँ पे गेट मोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको मैं सब जो बैकग्राउंड है सब मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो गाइस, आपको कुछ इस प्रकार से सब में ऐड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद। यहाँ पे मैंने सब में ऐड कर लिया है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको अपना बैकग्राउंड बना लेना है। बैकग्राउंड बनाने के बाद आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और आपका जो भी इमेज है जिसका बैकग्राउंड आपने इरेज किया है वो इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, और आप एक ही इमेज को आगे पीछे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो इसको करना, आपको बड़ा कर देना है, जो बैकग्राउंड जो पीछे में लगा उसको बड़ा कर देना है और इसका जो एपेसिटी अल्फा है इसको थोड़ा घटा देना है। घटाने के बाद आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। अगर आप वही इमेज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो दूसरा वाली इमेज भी आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने इस इमेज को ले लिया और इसका जो रोटेट मैं कर देता हूँ इस साइड से। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको ऐड कर दिया गाइस, आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा इस साइड खींच देता हूँ और यहाँ से कुछ इस प्रकार हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो आप देखने में कुछ इस प्रकार का लगेगा, देखने में अभी आपको दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का वीडियो बन चुका है। वीडियो बनने के बाद आपको क्या करना है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और एक इफेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इफेक्ट का लिंक, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं भी आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सॉरी गाइस, मैं इस वीडियो को इफेक्ट का लिंक जो है मैंने आपको दिया है वो वीडियो को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। पहले ये वाला इफेक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है और ब्लेंडिंग में जाना है, स्क्रीन कर देना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो अगर ये छोटा हो जाता है तो इसको आप थोड़ा यहाँ से बड़ा कर सकते हो, डुप्लीकेट निकाल के, और इसको यहाँ से इस साइड भेज लेना है। तो ये जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार लगा देखने में। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और गाइस एक टेक्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वाले टेक्स्ट को यहाँ से ऐड कर लेना है, जो है एटीट्यूड लिखा हुआ, तो उसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर देना और यहाँ सेंड टू बैक में क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से ये हो गया, इसका भी लेंथ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद लास्ट काम जो करना है, आपको एक शायरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो शायरी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से शायरी होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो उसको ऐड करने के बाद आपको इस साइड से रोटेट करना है और कुछ इस यहाँ पे लेके आना है यहाँ पे, और इसका जो ब्लेंडिंग है इसका भी ब्लेंडिंग स्क्रीन कर देना है, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से इसको आप इसका साइज है इसको बढ़ा सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का आपका वीडियो बन गया, आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा तमीज में रहो वरना बदतमीज हम भी हैं। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो कुछ इस प्रकार के बन गया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और इस वीडियो को सपोर्ट कर लेना है 1080p 30 फ्रेम रेट में। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।